एक चीज है कि हाँ यार ये काफी सुंदर भी लग रहा है। ये देखो कैसे कैसे एकदम ऐसा हो रहा है, मेरे घर पे क्यों लाइट मार रहे इधर? काटना आता नहीं आता? हाँ काटना आता है बट ये काटे तुम्हें हिल भी नहीं सकता। ओ भाई देख रहे हो कितने छोटे छोटे से, भाई कितने महीने के होंगे ये? भाई ये रिसेंटली पैदा हुए। ये मैं चाहता हूँ कि आपके व्यूअर्स इसका, ओ यार ये साहब तो मैंने भी नहीं देखा आज तक, आपके व्यूअर्स इसका नाम बताएं और कमेंट में डालें। अब तो यार मैं हूं असुर खर चोरी। बहुत टाइम बाद अपन ने अपने इंट्रो के साथ शुरुआत किया है। तुम लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि भाई कहां गया आपका इंट्रो, इंट्रो के बिना वीडियो में एक मजा नहीं आता। तो देखो यार इंट्रो अपन करते हैं, करते रहेंगे नो डाउट, इंट्रो अपना इंट्रो यार क्यों नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई स्पेशल वीडियो होती है तब मुझे इंट्रो करने बहुत मजा आता है, ठीक है? क्योंकि तुम जानते हो मास्टर बटर स्टार्टिंग से कंटेंट वाली वीडियो के लिए जाना आता है, ठीक है? और आज फिर से तुम्हारे लिए कंटेंट वाली वीडियो लेके आ गए। और एज ऑलवेज भाई एक्सोटिक पेट्स वाला कंटेंट है फुल ऑन, हर बार की तरह कुछ ना कुछ यूनिक तुम्हें देखने मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखो क्योंकि तुम लोगों ने स्टार्टिंग से अपनी एक्सोटिक पेट्स वाली वीडियो को बड़ी प्यार दिया है, ठीक है? तो खाना लेके बैठ जाओ, वीडियो देखते रहो, बने रहो वीडियो में, ठीक है? क्योंकि लंबी वीडियो होगी और तुम्हें मजा बेहतरीन आएगा। और ये देख लो यहाँ पे ना मैंने अपने लिए ये एक मैगी सी बना रखी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या है यार। मतलब मैंने ना इसका पैकेट थोड़ा सा फेंक दिया था, ये है सफोला के ना ऊडल्स, ये कुछ वो होल ग्रेन ओट्स से बने होते हैं, नो मैदा, मतलब मैदा नहीं होता इसमें। तो ये मैंने जस्ट अभी बनाया थोड़ी देर पहले, तो इसको अपन बढ़िया से खाएंगे सफोला ओट्स को, है ना, सफोला ऊडल्स सॉरी। और चलो वैसे तो मुझे साथ में कुछ खाने का मूड है नहीं यार, सिंपली अपने सफोला वाले उडल्स खा लेते हैं और बाकी बंदों के लिए देख लो यहाँ पे खिचड़ी बनी। तुम जानते हो अपने घर पे हर कोई ना अभी थोड़ा सा पेशेंट वाले रूप में है, मम्मी उधर सोई हुई है, पापा नीचे सोए हैं, घर में थोड़ा वैसा माहौल नहीं कि टेस्टी खाना बने, इसलिए मैंने खुद अपने लिए बना लिया है। और थोड़ा बालों भी सेट करने, मुझे माफ कर देना चीज के लिए, जरा वीडियो में जा रहा हूँ, ठीक है? ख्याल रखियो अपना, तबियत तबियत ठीक बा? ठीक बा, फोन देख ले बा, फिर रात में मिलते बा। हाँ चलो आराम कर। तो भाई ये देख लो ये है अपना स्टेफनी वाला टायर जिसको बहुत टाइम से चला रहा था मतलब मजबूरी में, और ये अपना वही जो गाड़ी साथ आता है ना बढ़िया डायमंड कट एलॉय वाला टायर। और टायर अपन ने चेंज कराया है क्योंकि ये टायर फट गया था ना बड़े दिनों से। एक तो मैं यार अपना स्टेफनी वाला टायर चला रहा था लेकिन ठीक है आज फाइनली यार अपना ये वाला टायर लग रहा है। महंगा तो पड़ता है यार टायर पर, अच्छा है कि यार अपने भाई ने सस्ते में करवा दिया मेरा काम कि बढ़िया से मतलब सस्ते रेट में टायर मिल गया और सस्ते रेट में माल ओरिजिनल। भाई अभी जस्ट ना यूट्यूब तरफ से पता नहीं कुछ तो हुआ है कि भाई उन्होंने बहुत सारे चैनलों की ना मोनेटाइजेशन ऑफ कर दी, ठीक है? मैं यहीं पे था, मुझे कॉल आया गौरव दून भाई साहब का, उन्होंने छूटते ही बोला कि अपना चैनल चेक कर, तेरी मोनेटाइजेशन ऑफ है ऑन है। मैंने चैनल चेक किया पहले मिहिर गलत का, मिहिर गलत की ऑफ। मुझे लगा चलो ठीक है भाई, चलो मास्टर बटर की तो ऑन होनी चाहिए। मैंने मास्टर बटर ऑन किया, मास्टर बटर की भी ऑफ, खत्म कर दी इन्होंने। अब मुझे कुछ नहीं पता, देखो अभी बहुत कंफ्यूज वाले मैटर में हूँ मैं, जरा फोन घुमाता हूँ बाकी बंदों को जब तक गाड़ी ठीक हो रही है। और टेंशन हो गई है मतलब मुझे तो सब कुछ छीन लिया भाई। कोई बड़ा रीजन देंगे अभी गवर्नमेंट भी देगी रीजन, 2 लाख चैनलों की है ना, एक का थोड़ी है। तो भाई ये किस लिए कर दिया रीजन? वही तो रीजन ही तो चाहिए, कुछ किया है तो कुछ वापस दे सकते हैं, मॉनिटर नहीं दे सकते, वरना मुझे तो भाई फिर मोमोज की ठेली लगानी पड़ेगी। भाई इतनी बारिश हो रही है ना आज, इतनी बारिश, देख लो भाई मेरे सामने अच्छी खासी गाड़ी डूब गई है यार। और अभी इससे पहले यार एक ऑल्टो भी डूब गई थी भाई। बताओ भाई यार इतना गलत हाल हो रखा है यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से पहुंच जाए बस एक बार, फिर टेंशन ये है कि आते वक्त कहीं ऐसा ना हो जाए कोई बारिश होता है आते वक्त पूरा एकदम। भाई मतलब आज का दिन मैं सोच रहा हूँ आप कि घर पहुंच जाए ना अच्छे से तब होगा मेन फतेह। फील यू फील मी ब्रो, यू फील मी बेटर, फील मी प्लीज। तो यार अब हम आ गए भाई अपनी सीक्रेट लोकेशन में, ठीक है? ये देखो लोकेशन हमने सीक्रेट रखी है क्यों? क्योंकि मामले सीक्रेट, बहुत सीक्रेटिव मामले, तुमने ऐसे ऐसे मतलब एनिमल्स देखे नहीं होंगे तुम, दिखाने वाले हैं, ठीक है? और सबसे मेन मेरे साथ यहाँ पे अजय भाई है। अजय भाई आपके पेट्स का नाम क्या है, वो उसको क्या किस नाम से जिक्र होता है आपका पूरा? मेरा फिनिक्स एक्सोटिक करके पेज है इंस्टाग्राम पे, और मेरा नाम तो आप जानते हो अजय। अजय भाई बेसिकली फिनिक्स एक्सोटिक्स, ये जो भाई का मतलब प्रॉपर पेट के नाम बोल सकते हैं, पेट शॉप बोल लो, पेट शॉप के नाम ही मेरा ब्रीडिंग फार्म है। ब्रीडिंग फार्म, हाँ प्रॉपर भाई का ब्रीडिंग फार्म है जो कि बेस्ड ऑन इंदौर है, है ना? और अपन इंदौर के थोड़ा मतलब समझो ना सीक्रेट लोकेशन अपनी थोड़ी उस के आसपास ही है। लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं क्योंकि यार एनिमल्स देखना है, तुम लोकेशन जाने नहीं आए है ना, एनिमल्स पे ध्यान दो। अभी मैं तुम्हें ऐसे ऐसे एनिमल दिखाने वाला हूँ और सबसे मेन इस वीडियो के लास्ट में तुम्हें एक सरप्राइज भी देने वाला हूँ, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। खाना वाना लेके बैठे ना, बैठ के खाना लेके बैठ जाओ, वीडियो को अंत तक देखो। आओ भाई चालू कर दे। सास भाई क्या सास भी कभी बहू थी है ना, वो था ना सीरियल। आओ भाई ये देखो मेरे सामने यहाँ पे ये पूरा कलेक्शन, ये देखो इसको
ये तो बहराने को हो रहा है यार, ये अपना सांप है। और अभी धीरे मैं तुम्हें सारी वैरायटीज जो स्नेक की है वो सब डिस्क्लोज करूंगा मैं। नहीं, एक ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है? यहाँ पे केकू हेजॉग्स, काफी सारे स्नेक्स अपने, इधर भी काफी सारे स्नेक्स है। ये अपना बच्चन बच्चों, इसको मैंने, ये वैसे तो मकाओ है पर मैंने नाम दिया बच्चन बच्चों, ठीक है? और यहाँ पे अपने लेटिनो इगुआनास वगैरह बहुत कुछ है। और सबसे मेन, तुम लोगों की काफी मतलब कमेंट्स वगैरह देख रहा था मैं कि भाई आपका मार्मोसेट मंकी कहाँ गया है ना, वो सारी चीजें। तो मार्मोसेट मंकी मेरा या तेरा, वो लास्ट में बताऊंगा मैं, पर ये रहा मार्मोसेट मंकी। पास से दिखाओ, यहाँ पे अपने पास दो मंकीज है, मतलब ऑफ कोर्स ये पेयर में रहते हैं ना, तो अभी भी पेयर में आइए। और क्या मैं इसको लेके जाऊंगा दिल्ली या नहीं जाऊंगा, उसके लिए तो वीडियो को आखिर तक देखना है, ठीक है? सबसे पहले अजय भाई, पहले मुझे ये बता दो, ये जो मकाव है ये इतना शोर क्यों करता है? बिकॉज़ ये 4 मंथ का बेबी है, अभी भी स्टिल हैंड फीडिंग पे चल रहा है। अच्छा। और फार्म का ही मकाव है, इसमें स्लो स्ट्रिंग डली हुई है जो मेरे नाम से है। ओके। और ये फीडिंग मांगता है, दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा चिल्लाते रहता है बार बार। हाँ, मैंने मकाओ को भाई दिल्ली जू भी देखा है। हाँ। दिल्ली जू भी एक पोर्शन है जहाँ पे मकाओ वगैरह भी रख रखे है ना, वहां में ऐसे ही वहां भी चिल्ला रहा। मैंने देखा मकाओ बहुत ज्यादा मतलब फुल सुरवुर, कुछ तो मारना चाहते जो लग नहीं रहे है ना, कुछ तो ऐसा है जो करना चाह रहे हैं, ठीक है? सबसे मेन भाई जरा चालू कर, तो आप मुझे बताएं कि जो आप फार्म का जिक्र कर रहे हैं, आपका फार्म किस तरफ है? मेरा फार्म मनावर में है, नियर बाय इंदौर। मुझे लगा मुनावर में है, नियर बाय फारूकी, मुनावर फारूकी। ओके। तो ये इंदौर के उधर ही है। हाँ, इंदौर से आ गया 100 किलोमीटर। आपके पास मतलब प्रॉपर फार्म हाउस है जहाँ पे आप ब्रीड भी करते हो अपने सारे एक्सोटिक पेट्स, और लीगली विद पेपर, विद पेपर्स है ना? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि यार लोग ना काफी ज्यादा मतलब पता नहीं कुछ है जो इनका काम ही है, और ऑफकोर्स काम करना भी चाहिए, पर भाई इसमें देख रहा हूँ आजकल थोड़ा सा आप लोगों को भी सचे विद पेपर्स वगैरह वो जरा बताएं कि कैसे कैसे आप अपने एनिमल्स को रखते हैं, पहले उसको रीड करते फिर एनिमल्स पे आएंगे। सुन लो जैसे बात, तो मेरे पास में जितने भी एक्सोटिक एनिमल्स है सारे के सारे आपको प्रीवियस पोर्टल के साथ में मिलेंगे, जितने भी रहेंगे सारे एक्सोटिक रहेंगे, कुछ भी इंडियन स्पीसीज आपको मेरे पास में नहीं मिलेगी। आप सबको जैसे पता है कि इंडियन स्पीसीज जो है वो पालना बैन है, प्लस अब गवर्नमेंट ने ये नया रूल लागू किया है कि एक्सोटिक में भी आपके पास में प्रीवियस पोर्टल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अच्छा। तो जाके वो एनिमल को लीगल माना जाता है, नहीं तो वो इलीगल माना जाता है, बिकॉज उस एक्ट में ये भी कहा गया है कि बाहर से आप अभी फिलहाल में इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके। हाँ, अच्छा। अब जो भी एनिमल्स मार्केट में सेल हो रहे हैं या फिर किसी को गिफ्ट किया जा रहा ETC जो भी था, हाँ। ये सारे कैप्टिविटी में ब्रीड किया जा रहा है प्रॉपर वे में, खाना वाना दे के इनको। अच्छा। हाँ। और ओके, तो मतलब इन्होंने ऐसा रूल लागू कर दिया कि बाहर से अभी तक नहीं हो सकता। उस चीज में ऐसा होता है कि हाँ, प्रीवियस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हम दिखा देते हैं कि इनके इतने बेबीज हुए और वो हम किसी को भी दे सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मकाओ के लिए है ना, इसको बात करके फिर थोड़ा इसको अगले कमरे में शिफ्ट करते हैं क्योंकि बहुत नॉइस करता है यार ये। तो भाई मकाओ के अगर बात करूं, मेरा सबसे पहले डाउट आता है कि भाई मकाओ है आपके पास अफ्रीकन ग्रे पैरेट क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने सुना सबसे बेस्ट में आता है, अच्छे से बोलता भी है। सबसे टॉकिंग जो बर्ड होता है वो अफ्रीकन ग्रे होता है। बट अफ्रीकन ग्रे जो होता है ना वो ग्रे कलर का होता है, आप सबको पता है। तो ग्रे कलर का हर कोई पसंद नहीं करता, बिकॉज बर्ड लोगों को चाहिए तो थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा चटक होना चाहिए। हाँ, चटक होना चाहिए। तो इसलिए मकाओ भी फिलहाल मेरे पास अफ्रीकन ग्रे भी अवेलेबल होते हैं। ओके। बट अभी सीजन नहीं है, सीजन अब आने वाला है, जब आएगा जो उनके बेबीज होंगे तो मैं प्रॉपर डिटेल्स ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर तुम्हें कुछ भी बाय करना है नंबर से लेकर इंस्टाग्राम सब दे दूंगा मैं, ठीक है? और एक चीज है कि हाँ यार ये काफी सुंदर भी लग, और मैंने देखा है ब्लू येलो वाले शेड में भी और दूसरा लाल वाले में भी होता है, है ना, हल्का रेडिश में, तो उन दोनों में से कौन सा ज्यादा मतलब बिकना, तो गलत वर्ड है, पसंद कितना होगा? ब्लू गोल्ड इसलिए किया जाता है, बजट फ्रेंकली होता है। अच्छा, ये वाला। हाँ, ब्लू गोल्ड जो होता है 150 से चालू हो जाता है, 2 लाख रुपीस तक जाता है, डिपेंड ऑन एज एंड क्वालिटी पे रहता है इसका। ओके। है ना, और अभी जैसे ये 4 मंथ का है, हाँ, तो ये समथिंग 170-160 तक का इसका मार्केट वैल्यू है। भाई जरा ये बताओ, मैंने सुना ये टॉर्टोइज है ना? ये टॉर्टोइज, और ये बहुत रेयर टॉर्टोइज है, आप पहले जो इंडिया में लेके आए? हाँ, पहले मेरे पास ही, अभी तक किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। ये फर्स्ट क्लच है जो आप देख रहे हैं, मेरे जो पेयर का क्लच है ये फर्स्ट क्लच है। हाँ, अब जाके मार्केट में लोगों के पास में आएगा। इसके बारे में ज्यादा बताओ। ये 15 नंबर का लार्जेस्ट टॉर्टोइज है। अच्छा, टॉर्टोइज। हाँ, टॉर्टोइज है, ये 15 इंच तक का बड़ा होता है। अच्छा, और हाँ, इसमें खास बात क्या है कि मतलब जो आज तक ये आया नहीं यहाँ पे, इसकी वो ही नहीं थी, डिमांड ही नहीं थी।
अभी एक्चुअल में जब फर्स्ट टाइम ये आया था जब आई थिंक जिनके पास में था उसके पास में एक ही पेयर था। अच्छा हाँ, और उस टाइम पे मैंने समथिंग 15 लाख में इसका पेयर बाय किया था। 15 लाख में? 15 लाख में। ओके मतलब रेयर काफी है। रेयर काफी है, आप अभी किसी के पास में भी देखेंगे आपको मिलेंगे। सप्लाई एंड डिमांड वाला सीन है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो इसकी कुछ मतलब ये जैसे फूड क्या ये भी मजदूरी खा रहा है? हाँ ये मजदूरी खाता है प्लस वेजेस भी हम इसको देते हैं प्रॉपर डाइट। देखो आज कुणाल भाई भी पहली बार हमारे साथ एक्जोटिक पेट्स की दुनिया में आए हैं, तो मेरा भाई ये कह रहा है कि एक बार भाई को सांप जरूर लटकाना है। क्या बोलते हो अगले? और तुम जरा इसको पास से देखो ये कितना ज्यादा मतलब एक अच्छा मैं भी पहले पास से देख लूं। बोल तो रहा हूँ ये देखो यार मुझे ना टॉर्टोइस को मतलब डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। लगभग जैसे सलगटा के भी यहाँ पे देखता हूँ ऐसे स्केल्स होते हैं है ना, इसके भी हैं और बड़े विचित्र विचित्र नाम नहीं है। स्टार करके एक नाम है, स्टार जो होता है वो इंडियन स्पीसीज है। अच्छा वो इंडियन है, वो बैन है। हाँ वो प्रॉपर बैन है, कोई भी आपको स्टार बेचे तो आप प्लीज उसे ना खरीदे। स्टार टर्टल है, टॉर्टोइस है, स्टार टर्टल है, और उसमें 2 साल की आपको जेल और समथिंग अराउंड 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो वैसे तो यार ये काफी सही लग रहा है, ठीक है। और ठीक है जिसको टॉर्टोइस का मतलब एक शौक होता है ना उनके लिए मतलब काफी ज्यादा ये रेयर माना जाएगा। अपन क्या है अपन एक्जोटिक पेट्स वाली वीडियोस बनाते रहते हैं ना, अपने को तो देख के लग रहा है हाँ टॉर्टोइस तो है, बच्चा है टॉर्टोइस का ना, बड़ा हो जा तो हमसे बात करियो। जब यार देख लो मेरे सामने यहाँ पे लटिनो लिटिनो व्हाट इज इट प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन लुटिनो रेडाइस इगुआना, ठीक है देख लो। और ये बात बहुत सही है कि जब से इधर आया ना तब से इसी पोजीशन में भाई मुझे बताओ ये एक पोजीशन में कितनी देर तक खड़ा रह सकता है? आई थिंक समथिंग अराउंड 12 आवर्स। और पहले तो मुझे ये खड़ा है बैठा है? ये बैठा हुआ है। ये बहुत तगड़ा हो गया। ठीक है तो एक बार जरा हम इसको एक बाहर निकालते हैं क्योंकि हम ज्यादा बात करेंगे तो तुम लोग बोर नहीं होने चाहिए ना, मेरा बस ये तुम बोर ना हो। ये भाई ने निकाला है लटिनो इगुआना, और सीन क्या है कि लटिनोज इगुआना ना मैंने काफी दिखाए हैं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इतनी पहली बार मैंने इतना बड़ा मतलब देखा होगा। अच्छा इसमें मेल फीमेल मेरे पास में ह्यूज साइज के मेल फीमेल इनके रखे हुए मेरे पास में। हाँ हाँ मेरे पास में जो ब्रीड होता है मैं वो सेल करता हूँ, तो क्योंकि सेल भी इसलिए करता हूँ, सेल वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, सेल भी मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो किसी को अपन एडॉप्ट के लिए देते हैं ना तो अच्छे से केयर नहीं करता जानवर का। जब वो अपना कुछ अच्छा मोटा पैसा उसमें लगाता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि यार इसे कुछ हो गया तो मेरे पैसे चले जाएंगे एंड उनकी एक मेंटेलिटी बन जाती है, तो इसलिए मैं ये सोच के किसी को भी देता हूँ, एडॉप्शन ही रहता है एक तरीके से, बट मैं उसका चार्ज कर देता हूँ थोड़ा बहुत थोड़ा। आप कभी घर चल जाए ना क्योंकि हर कोई यार अपने कमाने के लिए बैठा है दुनिया में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे मेन भाई पहले तो मुझे ये बताएं, मैंने सिर्फ इतना इंक्लोजर देखा है मतलब इतना वाला पिंजरा देखा है मैंने मंकी का, ये जो आप लोगों ने बनाया जरा ये बताएं मतलब इनको अंधेरा पसंद है क्या या इनके सोने के लिए? ये सोने के लिए होता है, आपने जैसे इंसानों का भी जो होता है अपने को प्रॉपर एक हाउस चाहिए रहता है, बेड चाहिए रहता है, उसमें बेड सेट चाहिए रहती, मार्मो सेट का आपको पता होगा कि वो ना चादर ओढ़ के सोते हैं। क्या बात कर रहे हो, वो चादर ओढ़ के सोते हैं। अच्छा तो ये प्रॉपर उनका एक हाउस होता है, इसमें हम एक चादर भी उनको प्रोवाइड करते हैं। जरा देख सकते हैं हम फ्री अभी फिलहाल में नहीं, आज ही आए हैं, उसमें चादर रखी नहीं है, वो देख सकते हैं। ये देख लो कैसे कैसे एकदम ऐसे हो रहे हैं, मेरे घर पे क्यों लाइट मार रहे हैं, इधर उधर आ गए। तो मेन क्या है कि यार ये जो मंकीज होती है ना इनको ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑफकोर्स छोटा जानवर है और छोटे जानवर को ना थोड़ी मैंने सुनी है चीज की उनको डिप्रेशन एंग्जायटी जल्दी होता है, ठीक है, हर किसी को प्राइवेसी पसंद होती है, तो इनको भी प्राइवेसी। तो मैं इनको सॉरी बोलना चाहूंगा कि मैं इनको अभी तो डिस्टर्ब करें, लेकिन यार तुम जानते हो मेरी फेवरेट है ये मंकी और शायद से मैं इसे दिल्ली लेके भी जा सकता हूं, शायद से है ना, तो शायद नहीं है ये फीमेल है हेजॉग। और देखो कितने आराम से सो रही है यार, और इसके आसपास बच्चे देखो, और अभी जब मैं आया था ना यहाँ पे तब ये दूध पी रहे थे मजे से, ठीक है। और ऐसे कोई एनिमल के सामने सोता है ना मुझे एकदम सच में मन नहीं करता कि मैं डिस्टर्ब करूँ। इनका मतलब क्या वैल्यू होती है अगर किसी को चाहिए तो? हेडजॉग जो होता है, हेडजॉग में जो वाइट में रेड आइज में जो होता है वो समथिंग अराउंड 10,000 to 15,000 में अवेलेबल हो जाता है मेल फीमेल। सवाल पहले ही पूछा था, पर इनको भी लोग पाल रहे हैं आजकल, बहुत नया नया शादी हो रहा है। ये फीमेल ने 5 बच्चे दिए थे, अनफॉर्चुनेटली 2 के डेथ हो गई और अभी 3 सर्वाइव कर रहे हैं। आपने कभी देखा नहीं होगा, अधिकतर आप जिनसे भी सुनते होंगे उन्होंने बोला होगा कि
हेजहॉग दो बच्चे देते हैं, दो बच्चे देते हैं, बट ऐसा नहीं है, पांच बच्चे तक ये देते हैं। अच्छा, आप अच्छे से उनकी केयर करते हैं, अच्छी फीड देते हैं, तो पांच बच्चे देते हैं। ओके, और शायद से मैंने इस वीडियो में जिक्र नहीं किया होगा, मैंने टाइटल पे शायद डाल दूंगा, पर भाई ये जो भाई है अपने, ये इंदौर के एग्जॉटिक पेट किंग है, ठीक है। इनके पास मतलब एग्जॉटिक पेट से लेकर अगर तुम्हें अडॉप्ट के लिए नॉर्मल डॉग्स भी चाहिए, तुम कुछ भी एनिमल से रिलेटेड तुम्हें कुछ भी अगर चाहिए, लीगल होना चाहिए बकायदा, ठीक है। तो इंदौर में तुम्हें सब कुछ ये अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है। जितने अपने इंदौर वासी है भाई, तुम लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तुम्हें कुछ ऐसा एग्जॉटिक पेट खतरनाक चाहिए। मैं बाहर भी डिलीवरी करता हूँ उनकी। ओके, आप बाहर से भी है तो ऑल ओवर इंडिया में मेरी डिलीवरी अवेलेबल है। ये जो है ना, ये इसका डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। मतलब ऑफकोर्स डिफेंस के लिए यूज करते हैं। अभी भी देखो थोड़ा ट्रिगर हो रहा है ना, और मुंह देखो क्या लग रहा है। ओए, तो मतलब ये जमीन के अंदर रहते हैं। हाँ जी, क्योंकि तभी इनका मुंह ऐसा तो हो रखा है, खुद को जाते होंगे। ये फीमेल है। ये भाई हमारे फेस पे लेंगे इसे। ओ पागल है क्या? इसे फेस पे लेंगे। नहीं, हाथ पे लो तो बहुत बड़ी बात है, जरा बाहर निकाले। इसको पता लग गया है और ये अपने आप ही आता है, उसको निकालने की जरूरत भी नहीं है यार। जरूरी है इसको हाथ में लेना, एक बार लेके देखना, बहुत अच्छा चीज है। आप तो फुल शर्ट पहन के आए हो यार। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, मुझे लग रहा है धीरज के हाथ पे सही रहे। भाई भाई देखो ना कैसे जा रहा है, ये दंड मार सकता है। ये नॉन वेनम होता है। ये नॉन वेनम होता है, मतलब आप ऐसे बोलो तो गुना भाई को तो रख सकते हैं हम तो, है ना। हाँ भाई पकड़ ले। ये देखो अभी धीरज पे आ गए, मतलब कहते हैं देख रहे हो धीरज कैसा लग रहा है, बहुत गलत है। ये देखो मतलब आराम से इसके सामने हाथ रखने का याद आता है। हाँ, एक बार कुनाल भाई के हाथ है के पास। ओ कुनाल, अरे मुंह पर थोड़ी आया। ये देख लो मकड़ी कुनाल भाई पे मैंने ये सुना है भाई, मतलब जितने अपने टेरेंटुलास मकड़ी वगैरह होते हैं ना, ये अगर गिर गए तो सीधा मरते, मतलब बहुत सॉफ्ट इनका बदन होता है, ठीक है। भाई भाई लेकिन अभी सांप भी बचाया ना, तुम लोगों को तो बड़ा मजा आता है ना मेरे को। डरते बड़े हरामखोर हो तुम लोग यार, हरामखोर बोल सकते हैं ना। इट इज फैमिली फ्रेंडली और नॉट, इट इज यू फील मी ब्रो। ये कैरियर में सेंड हुआ है, ये प्रेग्नेंट है स्टिल, इनके इसके पेट में भी बच्चे हैं। अच्छा। और इन्होंने कुछ अभी बच्चे दिए हैं। अच्छा। ये एक बार में 25 बच्चे देती है। अच्छा, आप भैया दिखाए के बच्चे। ये है ना। हाँ जी, ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने हाथ में, ठीक है। और बड़े क्यूट क्यूट से हैं, ठीक है। तुम देखो ये है, क्या नाम क्या था सबका? कैरेन सेंट बोआ। क्या? कैनेडियन सैंड बोआ। अच्छा, कैनेडियन सैंड बोआ। ये तो इधर ही आ रखा है। ओ भाई देख रहे हो कितने छोटे छोटे से, भाई कितने महीने के होंगे ये? भाई ये रिसेंटली पैदा हुए हैं भाई, अपन 10-12 दिन हुए होंगे। 10-12 दिन बस। हाँ जी, और इनका फादर ये है। अच्छा, फादर ये। हाँ, इसलिए ये इनकी शेडिंग वगैरह अभी होगी या फिर होनी है? नहीं, अब होगी ये। अच्छा, होगी ना, क्योंकि थोड़ा धुंधला सा मुझे एक आंख दिख रहा है। किसी किसी की आंखों जैसे ये शेडिंग में एक आने वाला है, एक ये आने वाला है। वो यार ये मेरी तरफ क्यों कर रहा है? ये नहीं, कुछ नहीं कर रहा भाई, दे आर फुल्ली टेम्ड। अच्छा, ये फुल्ली टेम्ड है? ये फुल्ली टेम्ड है। टेम्ड मतलब समझते हो ना, ट्रेंड, प्रॉपर ट्रेंड है ये, ठीक है। और ये देख लो, जैसे मैंने इसको काफी बड़े होते, बड़े लेने के बाद में आप उनको सिर्फ क्या होता है कि बस रख रखे, छोटे से आप उनसे
अट्रैक्शन करके उसे पाल सकते हो, बट एक प्रॉब्लम ये है, टेगूस मतलब नॉनवेज खाते हैं। अच्छा, सारे नॉनवेज नॉनवेज ही खाते हैं? हाँ, नॉनवेज एरिया में सारे के सारे। अच्छा। तो जो भी इन्हें ले वो एक बार ये देखिए कि यार नॉनवेज खाते हैं, इनकी डाइट में मीट, चिकन, चिकन ब्रेस्ट ये ज्यादा इंक्लूड होता है, बिकॉज इनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ओके, और ये इगुआना से काफी अलग होते हैं ना? इगुआना वेजिटेरियन होता है। इगुआना वेजिटेरियन, और ये मॉनिटर लिजर्ड भी नहीं है? हाँ, ये मॉनिटर लिजर्ड भी। मुझे भी क्या है पहले जैसा भी मॉनिटर लिजर्ड लगता है, पर नहीं, मॉनिटर लिजर्ड बहुत अलग चीज है और वो शायद अभी नहीं है आपके पास, है ना। और उससे पहले भाई मैंने एक सवाल पूछा था कि ये अलग क्यों है, मुझे इसका आंसर करना कि पता लग रहा है भाई सब कुछ सेम, पर अलग इसलिए क्योंकि ये इंदौरिया टेक है। ये साफ सुथरा टेक है, इंदौर अपनी क्लीनेस्ट सिटी में आता है ना, तो ये भी साफ सुथरा टेक है भाई। ये कौन सा सांप है यार? ये किंग स्नेक है। ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है? ये फुल साइज का फीमेल है। ये मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरी हाइट का ही है? नहीं, आप से थोड़ा छोटा है। थोड़ा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरी 6 फीट से ऊपर है, तो ये कहीं ना कहीं मुंह थोड़ा दूर रखो ना इस बारे में। ये 6 फीट मुंह थोड़ा दूर रखो यार, मेरी पट्टी है। मतलब ये देख लो मेरे सामने किंग स्नेक है ना? ये किंग स्नेक है जो कि 6 फीट का है। किंग कोबरा के बारे में तो आपने सुना? किंग कोबरा, यस। किंग कोबरा की डाइट क्या होती है? क्या होती है मतलब वेज नॉनवेज खाता है ना? तो सारे स्नेक्स नॉनवेज खाते हैं। डाइट मतलब मुझे ऐसा बताया, एक्चुअल में क्या होता है, चूहा चूहा नहीं, चूहे खाते हैं, इनको भी हमने चूहे पे रख रखा है। हाँ। बट जितने भी स्नेक्स होते हैं ना जिसमें किंग लग जाता है। अच्छा। दे आर ईटिंग स्नेक। ओके जी, ओके, ये मैटर है, ये मैटर है। किंग कोबरा भी मतलब मुझे से कैनिबलिज्म। हाँ, कैनिबलिज्म वाला मैटर है। मेरा ये अपने साथ अपने साथ वालों को खा लेते हैं। ओके, तो ये भी सांप को? अच्छा, इसलिए आपने इसको अलग रखा है? मैं इसको कभी किसी और सांप के साथ में रखूंगा ना तो मुझे आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद मैं आऊंगा तो वो दूसरा सांप मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसके पेट में जा चुका होगा। तो इसके बारे में तक कम क्यों सुना है? मतलब किंग कोबरा लोग सुनते हैं, किंग स्नेक क्यों नहीं सुना हमने ज्यादा? ये कोबरा, किंग कोबरा क्या होता है? इंडियन है पहली बात तो किंग कोबरा। हाँ, किंग कोबरा इंडियन है। हाँ, प्लस किंग कोबरा वेनम है उसमें, वेनम से। तो प्लस ये चीज होती है कि किंग कोबरा का जो एंटी वेनम होता है। अच्छा। एंटी वेनम बहुत ही मुश्किल से आपको मिलता है। मतलब वो तो जहर, अगर आपको जहर चला के तो जहर जो 10 मिनट के अंदर इंसान को मार देता है। ओके, और एंटी वेनम से बच जाएगा इंसान? एंटी 10 मिनट के अंदर कभी आपको एंटी वेनम मिला नहीं तो आप बच जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा एंटी वेनम 10 मिनट के अंदर? 10 मिनट वही है, आप कभी किसी भी किंग कोबरा को जब हैंडल करते हैं तो आपके साथ में एंटी वेनम रखना ठीक है। वो किंग कोबरा की बात होगी, किंग स्नेक क्यों नहीं सुना हमने? ये वेनमस नहीं है? नहीं, ये वेनमस नहीं। ऑफ कोर्स अभी आपके पास आना, ये सवाल ही गलत था। लेकिन हाँ, ये वेनमस नहीं होते इसलिए मतलब इतना कम सुना गया है। लेकिन मैंने सुना है सांप लोगों को वही पता है जो वेनमस है। एक बार जरा गो थ्रू करा दो, कौन कौन से सांप वेनमस मतलब जहरीले, कौन कौन सांप जहरीले होते हैं? किंग कोबरा होता है, कोबरा होता है, रसल वाइपर होता है, रसल वाइपर। हाँ, अपना पाइथन होते हैं, पाइथन दम घोट के मारते हैं। अच्छा। हाँ हाँ जी, वो जितने भी पाइथन होते हैं वो दम घोट के मारते हैं, बाकी जो वेनम वाले होते हैं वो अपना इंजेक्ट कर देते हैं, जो वेनम होता है इंजेक्ट करते हैं, वो वेट करते हैं कि भैया वो मरेगा। मतलब असल वाइपर, कोबरा, किंग कोबरा और यही सब कुछ जो भी है, वेनम वाले जो अलग है ना, तो इन सबसे तुम्हें बच के रहना है। मैंने तुम्हें इसलिए बोलवाया है कि ये सब आज लोगों को ऐसा नहीं होता ना, आप कभी कहीं जंगल में जा रहे हैं आपको सांप दिखा तो आपको कभी नॉलेज नहीं हो, तो मेरी ये सजेशन है कि आप उसको बिल्कुल ना छेड़ें। भाई काफी वेट है इसका यार, किलो भाई, 1 मिनट, आपने बोला पाइथन मरोड़ के मारता है ना? यार 1 मिनट कहां जाने की कोशिश कर रहा है? आप कुछ अलग अलग भाई, आप प्लीज मेरे साथ देख लीजिए, पिछला है भाई, पिछला है वो, एक बार पकड़ 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 पकड़, कुछ नहीं भाई, वो पिछला है, कुछ नहीं करेगा। और देख, ये दो और बॉल पाइथन है अलग अलग मॉर्फ के, अलग अलग भाई गिरने वाला है ये बनाना एंड पाइड। क्या पाइड? पाइड पाइड, हाँ पाइड, इसलिए इसको पाइड बोला जाता है। इसमें दो कलर अलग अलग मिक्स है, ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, ये मेरे पास आना चाह रहा है और मैं इसको आने नहीं दूंगा, ठीक है ना? ये दोनों, इसको लग रहा है बहुत फ्रेंडली हूँ सांपों से, ऐसा नहीं है? ये दोनों जो है हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है, इनके बेबीज भी मेरे पास में। मतलब अलग अलग डिजाइन वाले भी कर सकते हैं? हाँ जी, इसमें मैंने अलग अलग मॉर्फ, मुझे भी नहीं मिल रही यार, अलग अलग मॉर्फ से मैंने मैटिंग करवाई। ये पीछे कुछ करने वाला है भाई, देखो देखो कुछ तो रखो ना उसको, कुछ तो भाई, तुम कहाँ जा रहे हैं यार?
भाई इसने आप लपेट लिया मुझे। बिल्कुल बिल्कुल लपेट लिया भाई, भाई कृष्णा कुछ तो इसकी प्लानिंग चल रही है। मेरी ना सच में जान अटकी रहती है भाई जब ऐसे मेरे को आ रहा, और मजबूरी है भाई अपना वीडियो भी बनानी है मुझे, और खरीदा की भाई रेप्टाइल स्किन भी है भाई, बस बहुत सांपों की वैरायटी मिल जाएगी तुम्हें। इसी बात पे ना वीडियो पे एक लाइक मार दो, और जरा वीडियो ना अपने चाहने वालों में जरा शेयर मार दो ठीक है, क्योंकि अब बारी है ना, अब मैं अपने दोस्त द स्पेशल कुणाल भाई ऐसे नहीं टच कर दूं, कैसा लगा जेंटली गुलगुला से एकदम वही गले में डाल दूं? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं मैं चाहता हूँ कि ना मैं अपनी वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा अनकट और बड़ी बनाऊ तुम लोगों को, क्योंकि मेरी बड़ी वीडियो देखने मजा आता है ना? तो ये जैसे बड़ी वीडियो अनकट प्रॉपर मजे लो है ना, सब कुछ तुम्हें दिखाऊंगा, कुछ काटूंगा नहीं। इसका तो स्किन छोड़ेगा ये तो भाई, इसकी स्किन तो बड़ी प्यारी सी निकलेगी, बहुत प्यारी भाई, अभी देखा जाए इसमें शेडिंग कर रखी है, इतना प्यारा स्किन है, अभी इससे बड़ा नहीं लो भाई। हाँ ये 5-5.5 फीट तक जाए। तो कुणाल भाई अब मुझे बताओ कैसा आपका एक्सपीरियंस, मतलब बड़े सॉफ्ट से होते हैं है ना, और पहली बार आपने सांप पकड़ा है, इसका चूहा है मैंने तो चूहा है ये देख लो भाई सच में, ये तीन कुछ अपने मॉफ्स है। अब इनके बेबीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ठीक है, मैं दौर ये देखो मेरे सामने यहाँ पे ये बेबी है, और भाई ये कौन से स्नेक का बेबी है, बड़ा सुंदर लग रहा है, बॉल पाइथन का जो आपको मैंने दिखाया है, उन दोनों के म्यूटेशन मैटिंग कराने के बाद में मुझे ये म्यूटेशन सच में हो रखी है इसको, हाँ म्यूटेट हो गई इनके कलर ऐसे, हाँ मिक्स हुआ ना आप देखिए कोरल ग्रो आ गया ये, हाँ और काफी ज्यादा अपने आप में वन ऑफ इस काइंड वाला सीन लग रहा है मुझे ये। एक बार इसके नीचे वाले दिखाएं सर, ये वाला जो है वो कुछ अलग आइटम है, हाँ हाँ और देखना ठीक है। अब भाई तुम्हें एक ऐसा सांप दिखा रहा है, सांप तुम्हें बहुत दिखने वाले ठीक है, हाँ ये है कौन सा सांप है यार, ये मैं चाहता हूँ कि आपके व्यूअर्स इसका, यार ये सांप तो मैंने भी नहीं देखा आज तक, आपके व्यूअर्स इसका नाम बताएं और कमेंट में डालें ठीक है, तो सर नाम नहीं बताना मतलब है ना, हाँ ये बढ़िया टेक्निक यार आपने मेरी वीडियो के लिए, थैंक यू। ये फॉर श्योर बात है कि हम नाम नहीं बताने वाले सांप का ठीक है, अब तुम लोग ही इसका मुझे नहीं बता, तुम फोटो खींच के गूगल से पूछो या फोटो खींच के किससे अपने किससे पूछो, लेकिन तुम लोग बताओ इस सांप का नाम ठीक है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि सच में मुझे भी, मैंने इतनी वीडियो बनाता हूँ मुझे भी सांप का नाम नहीं बताओ, इसका मुंह देखो जरा, इसका फेस दिखाओ, इसका फेस कितना यूनिक है वो देखो यार, इसकी जो बोलते ना पंचिंग फेस की वो काफी अलग है यार, ये देखो यार ये त्रिकोण सा आ रहा है एकदम इसके आगे, इसका नाम भी इसके फेस से ही रिलेट करता है, मैं आपको एक क्लू दे देता हूँ, कमेंट में जरूर बताइएगा भाई, सारे कमेंट पढ़ेंगे, मैं सारा कमेंट पढ़ूंगा ठीक है, जिसका मुझे कमेंट सही लगा ना मैं लव रिएक्ट कर दूंगा भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कमेंट चाहिए ज्यादा सारा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम वीडियो हिट तो करा ही दोगे है ना, क्योंकि ऑफकोर्स जब इतने अच्छे मामले हो इतना अच्छा होस्ट हो, तारीफ अपनी भी करनी चाहिए है ना, इतना अच्छा होस्ट हो इतने अच्छे मतलब एनिमल्स दिखाते हो वीडियो हिट तो होगी, लाइक भी तुम कर दोगे पर कमेंट्स करना है। मैंने हिंट आपको दी है कि इसका जो नाम है इसके फेस से ही रिलेट करता है। ओके एक बार पास से दोबारा फेस दिखा दो लोगों के लिए, काफी काफी अलग यार ये सच में, ये वाला ये क्या इतना ही साइज है, बेबी है ये बेबी है, इसका साइज 2.5-3 फीट सब 2.5-3 फीट मतलब ज्यादा भी नहीं ज्यादा है। ओके देखो यार वीडियो हमारी बन गई है, और एज ऑलवेज वीडियो के बाद या कुछ भी ऐसे मतलब तुम रात ही समझो, हर रात को अगर चिकन मिल जाए तो क्या ही बात है, देख लो यहाँ पे तंदूरी चिकन विद अफगानी चिकन हनी चिली पाउडर, कौन खा रहा है ये दिखाने से लगता है कोई लड़की वड़की तो नहीं है भाई आपके साथ, हाँ लड़की के साथ आएगा यहाँ पे, हाँ भाई तो आपकी शायद किसी का फोन आया था है ना, हाँ जिसका भी फोन आया था बता नहीं सकते हम, लेकिन बड़े मतलब सही रिलेशन मतलब आपने कर रखा यार, साफ साफ बोल दिया फोन आया किसके साथ हो, बहुतों के साथ हो ऐसे, अब वर्ड भी देखता हूँ वर्ड कुछ अलग था कि इनका बैठा हूँ खोला हुआ है सपने देख यार क्या बोल रहा है इंसान यार, चलो कोई नहीं हर किसी अपना रिलेशन होता है हर किसी अपना बॉन्ड होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वीडियो अपनी पूरी बन गई, अब यहाँ से हमको भी निकलना होगा यार, अब जाने में टाइम लगेगा है ना, चिकन विकन बढ़िया पाड़ेंगे भाई, क्या पी रहा मैं जूस, जूस पी रहे हो जैसे भाई तुम देख लो यहाँ पे ये जूस भी है, थोड़ा कूड़ा है उसको इग्नोर करना, लेकिन ऑफकोर्स खाने के साथ थोड़ा जूस थोड़ा कोल्ड ड्रिंक मिलता, मैं तो बोलता हूँ कोल्ड ड्रिंक पीना ही नहीं चाहिए यार, कोल्ड ड्रिंक क्यों पीना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बहुत यूनिक अलग होने वाला है, तुम लोगों की स्पेशल डिमांड पे हमने वो वीडियो छोड़ो कुछ सामान लेके जा रहे हैं, जैसे भाई ने अंदाजा दिया था ना, जैसे भाई ने बोला था पूरी वीडियो में वैसा ही कुछ है, हम कुछ लेके जा रहे हैं यहाँ से अपना मनपसंद चहिता, सामान भी नहीं है वो कुछ अपने दिल के बहुत करीब है, तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट पार्ट जरूर देख लो, नेक्स्ट पार्ट क्या आने वाले जितने व्लॉग्स है उसके बाद बहुत अच्छे होने वाले हैं ठीक है, तो बने रहो सब्सक्राइब शेयर मार दो वीडियो को, बाकी चलो एंड करते हैं और साथ में करते हैं, तो यार मैं मास्टर बटर कोई दिक्कत नहीं है, मैं मास्टर बटर मिलता हूँ अगली वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय।